हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 5 घंटे का समय बीत चुका है। ऐसे में मतदान केंद्र पर भारी भीड़ मतदाताओं की देखने को मिल रही है। अंबाला लोकसभा के यमुनानगर विधानसभा के बूथ नंबर 188 पर मतदाताओं में मतदान को लेकर जागरूकता देखी गई। हमारे संवाददाता राहुल सहजवानी ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं से बातचीत की है। छठे चरण के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में तस्वीरें जो है मैं आपको न्यू हमीदा कॉलोनी की यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है मतदान प्रक्रिया शुरू होकर, और ऐसे में भारी संख्या में जो है पुरुष महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंच रही है, और ऐसे में मतदान केंद्रों पर जो है जो भारी भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लोगों में काफी उत्साह है जो मतदान करने के लिए पहुंचे। आप पहली बार वोट देने हैं जी, कैसा उत्साह जो है आपको नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, नहीं फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? अरे फीलिंग तो बहुत बढ़िया आ रही है, दो घंटे से खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, किस तरीके से व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर? सही नहीं है जी, हाँ व्यवस्था सही नहीं, लाइन में आते हैं दूसरे घुस जाते अंदर आके, हम यही खड़े 2 घंटे से। पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है? पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा कोई, किसी भी यहाँ कोई नहीं सुन रहा। हम 7 बजे लाइन में खड़े हैं, अब बंद जा रहे हैं और सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं, हम यही खड़े हैं 2 घंटे से बस। क्या नाम है आपका? मतलब है जी मेरा नाम। बिल्कुल 3-3 घंटे से जो है लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, यही कंप्लेन कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ऐसे में लोग जो है मिस कम्युनिकेशन के तौर पर सीधा लाइनों में घुस रहे हैं और अपना मत का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, किस तरीके से व्यवस्था फैसिलिटी जो है मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है? और भाई से पूछते हैं भैया, किस तरीके से व्यवस्था जो है मतदान केंद्रों पर? ठीक है भैया, सब ठीक है, ओके। मतदान करने पहुंचे हैं, कितने बजे पहुंचे थे? मैं 9:30 बजे आया था जी, 8:30 9 बजे आया था, अभी तक तो ठीक है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं? लाइन तो है जी, क्या करें, वोट डालनी है, वो भी जरूरी है ना, जो जरूरी है वो तो जरूरी है। मतदाता जागरूक है, अपने मत का प्रयोग करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम तरीके की जो उनके दिमागों में कुछ सवाल है, जवाब है, किस तरीके से वोट करना है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर वोट कर रहे हैं, और एक अच्छा मैसेज जो है वो यहाँ पर देते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो ये महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, बच्चे भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस मतदान केंद्रों पर। तो कहीं आंटी जी कितनी उम्र है आपकी और यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? 6 साल हुई है मेरा उम्र है। और कितनी देर से आप यहाँ पर लाइन में खड़े हैं? खड़े हुई है, घंटों ही खड़े हुए हैं। क्या व्यवस्था जो है यहाँ पर केंद्रों पर की गई है? नहीं व्यवस्था कैसी है, पानी यहाँ पर है, ये सब व्यवस्था बताओ, क्या व्यवस्था? पानी तो नहीं मिला, पानी तो नहीं मिला, क्या हाल है? बिल्कुल भीषण गर्मी है और गर्मी के को देखते हुए भी यहाँ पर काफी लाइनें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, यहाँ पर क्या तरह पानी तो है पर पानी पिलाने वाले भी तो चाहिए ना, गर्मी है। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ? बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धूप तो नहीं लग रही है। खैर भैया आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मतदान केंद्र पर व्यवस्था है सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य फैसिलिटी की अगर बात करें? ठीक है, शासन ने ठीक किया हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ, पर ये हमारा एरिया जो है अति संवेदनशील है, उस हिसाब से प्रशासन ने बहुत अच्छा किया हुआ। क्या मुद्दे जहन में आते हैं जब हम मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं? मुद्दे विकास, भारत का विकास, विकास का एक मुद्दा जो है प्रमुखता से, आप रोड वगैरह हर एक चीज की सुविधा, पेंशन की, ये वो, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। बिल्कुल मतदाता जो है जागरूक है और बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।